आखिर धनंजय गलानी ने अपनी फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को लेकर क्या कहा है? क्या भीमा कोरेगांव की लड़ाई की महान कृति सिनेमा की मोबिलिटी को पोटेंशियल रूप में बदल सकती है? खून की नदियां बहुत मुत्तफा हो जाओ यहाँ से। क्या पहले भी इस विषय पर मूवी बनाने का ट्राई किया? यहाँ प्यार अपनापन दिखाना बेकार है, इसकी कोई कीमत नहीं है। बॉलीग्राड स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है और मैं हूँ आपके साथ अनुष्का त्यागी। आज मैं लेकर आई हूँ अर्जुन रामपाल और सनी लियोनी की अपकमिंग मूवी द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव से जुड़ी कुछ मजेदार बातें। दोस्तों, धनंजय गलानी बॉलीवुड के मेन स्ट्रीम फिल्मों को नए दर्शकों के लिए फ्रेंडली बनाने के लिए तैयार है। साथ ही साथ अपनी फिल्म द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव में इतिहास की मूल बातों को बनाए रखते हैं। धनंजय ने कहा, मैं इस फिल्म का हिस्सा बनकर बहुत खुश हूँ, ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा मंच है। मैंने निर्माता और निर्देशक श्री रमेश थेटे से बहुत कुछ सीखा। शूटिंग और रिहर्सल के दौरान मैंने स्टार कास्ट अर्जुन रामपाल, सनी लियोनी, अभिमन्यु सिंह, कृष्णा अभिषेक, दिगांगना सूर्यवंशी और अन्य के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है। शूटिंग गर्मियों में की गई थी, ये बहुत व्यस्त थी क्योंकि हमें बाहर बहुत सारी लड़ाई और गांव के दृश्यों को शूट करना था। मैं केवल 2-3 घंटे ही सो पाता था और इतने सारे काम जैसे शूट की जरूरतें, कलाकारों की जरूरतें और योजना बनाना, सीनियर एक्टर्स और सीनियर कास्ट और क्रू के साथ काम करके बहुत खुश हूँ। एक सहयोगी निर्माता के रूप में जो विचारों से भरा हुआ है। धनंजय गलानी का लक्ष्य नए विषयों और विषयों के साथ एक्सपेरिमेंट करके फिल्मों के अनएम्प्लॉयड एरियाज में बिजनेस करना है। जब उनसे पूछा गया कि भीमा कोरेगांव की लड़ाई के बारे में क्या अलग है, तो दोस्तों उन्होंने कहा कि मैंने बहुत सारी थ्रिलर, सस्पेंस, डरावनी फिल्में की हैं। रमेश टेटे जी के लिए धन्यवाद, उन्होंने इस फिल्म के साथ मेरी जिंदगी बदल दी, मुझे खुद को साबित करने का मौका दिया एक सहयोगी निर्माता और कास्टिंग निर्देशक के रूप में। हमेशा इतिहास पर आधारित फिल्म करना चाहता था और इस विषय से बेहतर क्या हो सकता है। भीमा कोरेगांव की लड़ाई की महान कृति सिनेमा की मोबिलिटी को पोटेंशियल रूप से बदल सकती है, जिसमें दोस्तों अच्छी कहानी कहने और अद्भुत पोएटिक दृश्यों का कंफर्टेबल मिक्सचर है। धनंजय गलानी कहते हैं, भीमा कोरेगांव की लड़ाई एक रेयर पीस ऑफ आर्ट है, एक सिनेमैटिक सॉल्यूशन, अनकॉमन कहानी और प्लॉट लाइन और कलाकारों का प्रतिभाशाली ग्रुप अपना जादू जोड़ता है। इतिहास की एक झलक, एक विषय जिसका पहले प्रयास नहीं किया गया था। दोस्तों बता दूं कि उनके भविष्य के प्रोजेक्ट्स में लाखों कार्ड्स, द पैंटर कैट, इटली सरकार द्वारा अप्रूव एनिमेटेड फिल्म जिसका वो निर्माण कर रहे हैं और दोस्तों ब्लडी वैम्पायर नामक हॉलीवुड फिल्म भी शामिल है। हाउ वी मेट जैसे अन्य प्रोजेक्ट भी वर्तमान में डबिंग चरण में है, जो 2021 में OTT प्लेटफॉर्म पर सिनेमाघरों में रिलीज होने वाले हैं। खैर दोस्तों, आप अर्जुन रामपाल और सनी लियोनी की मूवी द बैटल ऑफ भीमा कोरेगांव को देखने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल न भूलें। हमारी आज की राइटर है आयुषी श्रीवास्तव।